Hi everyone. Come to the next part of the continuous part. Interrogative sentences. उर्दू में इसको कहेंगे सवालिया जुमले. सवालिया जुमले. इसके लिए मेथड है. पहले मेथड वन बताता हूँ आपको. मेथड वन, सेंटेंस के शुरू में इज, एम या आर आता है. इस सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी का इजाफा, फर्स्ट ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क. अब ये तो आगे क्या, जब क्या कहा जाता है तो इज एम आर यूज होता है. अगर दूसरे क्वेश्चन वर्ड्स आ जाए, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, हू, ये सब जो है ये भी आस्किंग है. आस्किंग सेंटेंस, आस्किंग वर्ड्स. दीज आस्किंग वर्ड्स विल आल्सो बी यूज्ड हियर व्हेनेवर वी शैल डू द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. उसके लिए मेथड आपको मैं और साथ देख देता हूँ, फिर आपने इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो के साथ नोट करना है, समझना है और फजल नहीं होना. ये वही क्वेश्चन वर्ड्स होगा. देखो हैं ये क्वेश्चन वर्ड्स, ये क्वेश्चनिंग वर्ड्स जो हैं ऊपर वाले और जो नीचे वाले हैं ये सर्कट हैं, इनकी तरफ नहीं देखना, ऊपर वाले. तो क्वेश्चनिंग वर्ड्स जो हैं इनके लिए, इनमें से अगर कोई क्वेश्चन में आ जाए, जुमले में, उर्दू के जुमले में आ जाए, तो क्वेश्चनिंग वर्ड दो तरह के मेथड्स हैं और इन मेथड्स को, इन मेथड को पॉली वो आपको हमने थोड़े से शॉर्ट किए सेंटेंसेस किसी वजह से, ताकि आपको ये दोनों ही फार्मूले समझाए जा सके. तो इसमें हमने जो गलती कर दी है वो ये कि क्वेश्चन वर्ड के लिए ये सारे रेड में मैं लिखना चाहता था, ये आप ही नाम थी. तो ये जो है ये इस फार्मूले के लिए, ये क्वेश्चन वर्ड के लिए, ये वर्ड और ये वर्ड क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे आएंगे. तो इसके साथ अब ट्रांसलेशन करते हैं. तो ये है हमारा
थोड़ा सा बताता चलूँ। सब्जेक्ट है, जाना जो है ये वर्क है, और स्कूल ऑब्जेक्ट है। इसी तरह इसको सामने रखना, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। क्या वो स्कूल जा रहा है? Is he? Going to school? फिर है जी, क्या वो तेज भाग रही है? Is she रनिंग फास्ट? और फिर अगर हम थोड़ा चेंज करना चाहें तो क्या वो, क्योंकि ऑब्जेक्ट बाई चांस मिस हो गया, वो हम ऐड कर देते, क्या वो सड़क पर तेज भाग रही है? तो सड़क पर तेज भाग रही है, तो इसमें चूंकि हमें बेसिक इंग्लिश सीख रहे हैं, इसलिए सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट वर्ब और ये ऑब्जेक्ट है। तो वो जो है वो सब्जेक्ट है, और सड़क ऑब्जेक्ट है, भागना वर्ब है। इसलिए थोड़ी चेंजिंग करनी पड़ गई। इज शी रनिंग फास्ट ऑन रोड? रोड ये साथ है। अच्छा, तो इसमें मैं ये बता रहा था कि क्या वो सड़क पर तेज भाग रही है, वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ये वर्ब। तो इज शी रनिंग फास्ट ऑन रोड, क्या ये वॉम रहा है डॉगी के लिए? इज इट थोड़ी मिस्टेक हो गई। तो ये पिछले सेंटेंस में जो रेड में लिखा था, एक छोटी सी मिस्टेक थी। तो सो वी आर राइटिंग इट अगेन। ये लोगों पर क्यों बॉम्ब रहा है? इसके लिए ये क्वेश्चनिंग वर्ड, ये क्वेश्चनिंग वर्ड है, इसलिए व्हाई इट इज वर्किंग, प्रीपोजिशन लगेगी एट पीपल। पीपल इसके बाद क्या मैं आपके साथ जा रहा हूं? एम आई गोइंग With you. और फिर है हम कब इस्लामाबाद जा रहे हैं? When we are going to इस्लामाबाद
वो कहाँ रह रहे हैं? वेयर दे आर लिविंग। तो इसमें देखिए क्या वो स्कूल जा रहा है, इज ही गोइंग टू स्कूल, हमने फॉर्मूले के साथ एड्रेस करना था इसको, तो ये इज आ गया यहाँ पे, और फिर ये सब्जेक्ट आ गया यहाँ पे, और वर्ब प्लस आई एन जी, वर्ब प्लस आई एन जी आ गया, और उसके बाद ये देखिए स्कूल आ गया, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर मिस्टेक नजर आ गई, तो क्वेश्चन मार्क लगाना था। तो फिर उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क भी साथ आ गया, ये फार्मूले के मुताबिक, मेथड के मुताबिक बन गया। और फिर इसके बाद इज सी रनिंग फास्ट ऑन रोड, तो क्या वो सड़क पर तेज भाग रही है, ये क्वेश्चन प्रेसिंग वर्ड की जगह पे इज आर में से आया, और इज सी रनिंग फास्ट ऑन रोड। बाकी के सब्जेक्ट हमने कुछ मिस किए हैं, जगह कम थी और टाइम भी कुछ ज्यादा लगता है, इसलिए हमारी कोशिश है कि हम इसे थोड़ा वीडियो को और शॉर्ट करें ताकि आप आसानी से देखें। तो फिर इसी तरह ये भी सब्जेक्ट है, ये सारे सब्जेक्ट हैं, ये सारे वर्क हैं, और ये भी वर्क है, ये भी वर्क है, और ये भी वर्क है, ये भी वर्क है। और इसके बाद जो हमने मेंशन किया था कि क्वेश्चनिंग वर्ड जो है, ये वाला क्वेश्चनिंग वर्ड ये कहाँ कहाँ पे आ रहा है, वाई वेयर वैन, वाई वेयर वैन क्वेश्चनिंग वर्ड। दूसरा मेथड जो है वो इस तरह से इस्तेमाल होगा, पहले वाला मेथड जो है ये टू ब्लू लाइंस में यूज किया हमने, या फिर हमने यहाँ पे यूज किया इनमें तीन में, ये यहाँ पे ये और ये एक तरह से यूज हो रहे हैं, और ये वाले जो है ये दूसरे मेथड के लिए यूज हो रहे हैं, वाई वेयर वैन इस तरह से यूज हुआ। तो आप नोट कर दीजिए, इंशाल्लाह इसका एक फोटो जो है, पिक जो है वो हम कमेंट्स में साथ शेयर कर देंगे, ताकि आप उसको कॉपी करके उसको भी सीख लें और देख लें। थैंक यू वेरी मच।